हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल अगेन। सो यस, आज हम करेंगे टैरो रीडिंग्स फॉर जनवरी 2018। यस, ये थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज मैं इस बारी हिंदी में कर रही हूँ रीडिंग्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स काइंड ऑफ। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ ये महीने, इस थ्री टैरो कार्ड्स लाइक ऑलवेज, तो तीन टैरो कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके जनवरी महीने के लिए। साथ ही साथ द वन दैट आई एम यूजिंग दिस मंथ इज एंजल आंसर्स। तो ये है, आपको जो भी क्वेश्चन है दिमाग में, यू नो कि आपको ये चीज़ करनी है, ये हो पाएगी या ना हो पाएगी, सिचुएशन मटीरियलिस्टिक वट एवर, तो वो आपको दिमाग में सोचना है। आप ये जैसे आगे देखें, उससे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन सोच लीजिए, उसके बाद एंजल आंसर देखिए, तो वो एंजल्स आपको डायरेक्टली आंसर देगी आपके क्वेश्चन का, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये पसंद आए, और प्लीज़ आपके सजेशंस दीजिए मुझे कि आपको कैसे देखना पसंद है रीडिंग्स, आप कैसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। एंड वी मूव ऑन टू स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, देखते हैं जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या चीज़ों पर फोकस करना है, और उसके साथ ही एंजल्स आपको क्या आंसर देते हैं। तो लेट्स सी, तीन कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके लिए और एक एंजल आंसर। तो जो पहला कार्ड है वो है दी हेरोफेंट। दी हेरोफेंट आपको ये बता रहा है कि ये महीने आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये क्या है, उसके साथ साथ आपका सोल्यूशन, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की ओपिनियंस लीजिए, लोगों की राय लीजिए, उनकी सलाह मानिए, उन वो लोग जो कह रहे हैं अपने लाइफ में उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए कि हाँ, किसी ने अगर ये राय दे दी, अगर आपको भी लग रहा है वो सही है, वो चीज़ आपको अपने लाइफ में ऐड करनी है, वो चीज़ अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका जो कहते हैं ना, एक बेस बहुत स्ट्रांग बना रहेगा। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो आपका अल्टीमेट गोल है जैसे हम कहते हैं, उसमें आपको पहुंचने के लिए इजी पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका जो एक राह है वो प्रॉपर ही बनी रहेगी। तो आपका टाइम ये है कि हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, आपके जो नज़दीकी लोग हैं वो क्या आपको सलाह दे रहे हैं उसे थोड़ा गौर करना, उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज वो जो बोल रहे हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सही है। तो ये जो टाइम है आपका, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लेने का है। सेकेंड कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ कप्स। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें आती हैं ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी, उससे आप एक्सेप्ट कीजिए विद ओपन आर्म्स। कहीं ना कहीं आप ऐसे फेज में बैठे हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं, मैं इससे बेहतर डिज़र्व करता हूँ, या ये तो मेरे लायक है ही नहीं, यू नो, मैं इससे बहुत बढ़िया डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो ये जो टाइम है, टैरो कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि एक्सेप्ट कीजिए जो आपके पास आ रहा है, कहीं ना कहीं वो ही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी और ज़्यादा बढ़ाएगी। आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बनाया है, मैं डिज़र्व नहीं करती, या मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। सो ये जो थॉट्स है आपको बिल्कुल ही दिमाग से निकालने हैं, ये जो टैरो कार्ड सेकेंड आपको एडवाइस दे रहा है। जो थर्ड कार्ड है द मजीशियन, द मजीशियन आपको बता रहा है कि आपका जो जनवरी महीना है, एक बहुत ही ओवरऑल सही महीना है, उम्दा महीना है, कि आपके लाइफ में ना आपको सब कुछ जो भी चाहिए था उसकी एक शुरुआत हो रही है, एक पहल हो रही है, कि आपने जो सोचा था कि हाँ मुझे ये करना है, उसमें एक आप स्टेप आगे बढ़ा रहे हो, और वो स्टेप आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी दे रहा है। तो उसे आप कायम रखिए, उसे आप यू नो बरकरार रखिए कि हाँ, मेरे को ये करना है, मैंने इसको ये चीज़ सोच रखी है, बट बहुत टाइम से हो नहीं रहा था। तो उसके एफर्ट्स लेना, जैसे आपने चालू करे हैं, आपने एडवाइसेस एक्सेप्ट करी है, उसके बाद एक्सेप्ट कर रहे हो जो आपके पास आ रहा है, तो आपका जो मिशन है, आपका जो अल्टीमेट गोल है, आप वहीं तक पहुँचेंगे। एंजल आंसर, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज़ है ना, बहुत ही पीसफुली लीजिए, अपने मन से जो भी नेगेटिव थॉट्स है, या अपने यू नो कहते हैं कई बार हमें अपना दिमाग शांत करना है सबसे पहले, तो आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा चला रहे, कॉन्स्टेंटली इट्स वर्किंग। अब हमारा ऐसा टाइम है कि हमें थोड़ा दिमाग को रेस्ट देना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। कई बार आप सिर्फ यू नो यू जस्ट सिटिंग, आपके पास कुछ नहीं है, बट दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो अभी आपका टाइम ये है कि आपको दिमाग को रेस्ट देना है, और जैसे आप रेस्ट दोगे, आपके जो थॉट्स है वो पॉजिटिव होना चालू हो जाएंगे, एंड वो पॉजिटिव
जो थॉट्स आने लग जाएंगे उसके बाद एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका काम एकदम ही सही तरीके से हो जाएगा, आपको कोई चीज़ की चिंता नहीं होगी फिर। तो यस, ये था आपका जनवरी का फोकस, आई होप आपको पसंद आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू नेक्स्ट मंथ।